हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली स्टाइल जिंदगी। बुबू आल्सो सेज वेलकम बैक। और आज मैं रात को ही इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि कल बुबू को ले जाना है वैक्सीन दिलवाने के लिए, तो मुझे नहीं पता मुझे कल टाइम मिलेगा या नहीं, इसलिए इंट्रोडक्शन आज ही दे रही हूँ। और कल जो कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँगी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और मैं क्या क्या प्रिकॉशंस ले रही हूँ ताकि उसे दर्द कम हो वो सब भी मैं शेयर करूँगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। बुबू गुड नाइट बोला था सभी के। गुड नाइट बोला था बुबू। ओ तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा ले लिया है, जो वैक्सीन कार्ड है वो और जो डिस्चार्ज समरी था वो सब ले जाने को कहा गया है, तो वो सब हमने ले लिया है। और अभी बुबू सो रहा है और हम लोग कुछ देर में रेडी होंगे, 10 बजे हमें निकलना है। तो अभी से ही घबराहट हो रही है, ठीक नहीं लग रहा है कुछ भी, तो लेट्स सी आगे चल के बुबू आज कैसे रिएक्ट करता है वैक्सीन को। लास्ट वैक्सीन पे तो वो बहुत ज़्यादा रोया था और बहुत ज़्यादा पेन भी था उसको, आज देखते हैं कि क्या होता है। अभी एक महीना और ज़्यादा एज हो गया है उसका, तो लेट्स सी वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो वैसे एक चीज़ जो है प्रिकॉशन जो मैं लेने वाली हूँ वो है ये आर्निका जेल। तो उसका वैक्सीन लगने के साथ साथ उसके जहाँ जिस पॉइंट पे उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा उसके आसपास सर्कल करके इस आर्निका जेल को लगा देना है, जिससे उसका दर्द भी कम होगा और उसे थोड़ी सी ठंडक भी मिलेगी। और ये आर्निका जेल होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इससे जो वैक्सीन का असर है वो भी ख़त्म नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। लास्ट टाइम भी हमने यूज़ किया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था, और इस बार भी करेंगे। साथ साथ में कैल्पोल तो देना ही है उसे, और वहाँ से जो भी गाइडेंस मिलेगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग, आई विल शेयर वट एवर आई कुड रिकॉर्ड टुडे। हेलो ऑल, बुबू इज ऑल रेडी टू गो, वैक्सीन लेने के लिए जा रहा है, इसको पता भी नहीं है। He's playing now. तो आज वैक्सीन लेते वक्त बुबू बहुत ज़्यादा नहीं रोया, थोड़ा बहुत ज़रूर रोया था पर बहुत ज़्यादा नहीं रोया, और उसके बाद वो मेरी गोदी में सो गया। और पोलियो ड्रॉप और रोटा वायरस जो उसको मिला, ओपीवी और रोटा वायरस, तो वो भी उसने अच्छे से एक्सेप्ट किया। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने कार में ही उसे आर्निका जेल लगा दिया था और घर आकर के पैरासिटामोल दे दिया था, और वो थोड़ा बहुत खेल भी रहा था शुरू में। মা আর্নিকা লাগিয়ে দিয়েছে, ব্যথা হয় না, জুনার হাসু হাসু হচ্ছে, জুনার খেলু খেলু হচ্ছে, ওলে বাবালে, থামি পা ধরে রেখেছে, মিত্তি মিত্তি ওষুধ খেয়েছে, তাই না জুনা, মিত্তি মিত্তি ওষুধ খেয়ে নিচো। তো ভ্যাকসিন যো হে পেন্টা ভ্যাকসিন, ও উসে লেফট লেগ মে লাগা হ্যায়, লেফট থাই মে, तो वो अपना पैर बहुत ज़्यादा झटकता है, तो इसीलिए मम्मी ने उसका पैर होल्ड करके रखा था, तो उससे उसको दर्द कम हो रहा था। एंड दिस इज़ द पैरासिटामोल दैट दे गेव, कॉरपोरेशन ऑफिस से दिया, तो यही मैं उसे दे रही हूँ। 2.5 ml करके देना है हर 6 घंटे पे। फर्स्ट डोज 11:30 बजे दिया है, और आर्निका जेल भी टाइम टू टाइम मैं उसे लगा रही थी ताकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास ना हो, जितना जल्दी हो सके दर्द भी उसका कम हो जाए और उसे ठंडक मिलती रहे। तो टाइम टू टाइम हर 15 मिनट पे मैं उसे आर्निका जेल लगा रही थी। अभी सो रहा है, उसे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, मैंने आर्निका जेल फिर से लगा दिया, और जो दवाई मैंने दिखाया जो कॉर्पोरेशन से दिया गया है पैरासिटामोल वो भी दे दिया है, तो अभी शायद उसका दर्द कम है। दूध वूध पी करके वो भी सो गया है।
और इस बार वो इतना ज़्यादा नहीं रोया था जब वैक्सीन लगा उसे, तो लास्ट टाइम इतना ज़्यादा उसे दर्द हुआ था, वो इतना रोया था, मैं भी उसके साथ रोने लगी थी, पर इस बार उतना दर्द नहीं हुआ। तो मतलब आई एम नाउ वेरी मच यू नो हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस, रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, सुबह को भी बहुत टेंशन में थी मैं, सबको ही था, मेरे घर पे सबको ही टेंस्ड था। इनफैक्ट मेरी मम्मी, मेरे पापा, वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं सुबह से कि अभी कैसा है बेटा, उसको दर्द तो नहीं हुआ वगैरह। तो ये एक चिंता तो रहता ही है, हर एक पेरेंट को रहता है। तो हम लोगों ने कॉर्पोरेशन से वैक्सीन लिया, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया वीडियो में। तो वो लोग उतना ही मेडिसिन देते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उतना ही वैक्सीन देते हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से, एक्स्ट्रा कोई वैक्सीन नहीं देते हैं। और मुझे भी ऐसे लगता है कि झूठ मूठ का बच्चे को इतना कष्ट देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितना वैक्सीन मैंडेटरी है जो गवर्नमेंट अलाउ करता है, वही वहाँ पर दिया जाता है, और वहाँ पर जो स्टाफ है वो उनका हाथ भी इतना अच्छा होता है कि बच्चे को इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर डूइंग दिस। एंड अब उसे पोलियो के लिए भी ले जाना है, होपफुली वो मार्च में होगा, और उसका नेक्स्ट वैक्सीन भी मार्च में है, 6 मार्च को, जो उसका थर्ड वैक्सीन होगा। सो अभी कम से कम 1 महीने के लिए तो काफ़ी शांति है। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और वो अभी सो रहा है, वो 4 बजे से सो रहा है, पर उससे पहले उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि उसका कैल्पॉल का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो गया था। तो कैल्पॉल मैंने उसे दिया था सुबह को 11:30 बजे, तो फिर 6 घंटे के गैप के हिसाब से 5:30 बजे उसे कैल्पॉल देना था, पर उसे 3 बजे से ही दर्द शुरू हो गया। तो मैंने 3:30 बजे उसे, जब 4 घंटा हो गया था, तो मैंने 1 ml कैल्पॉल उसे फिर से दे दिया था। तो 4 आवर्स के गैप पे आप कैल्पॉल दोबारा रिपीट कर सकते हैं, तो मैंने दे दिया। उसके बाद उसे बहुत, उसके बाद उसका दर्द मतलब कम हो गया और उसे फिर नींद आ गई, तो 4 बजे फिर सो गया। सो रहा है अभी। जूना गोला चके बेर के मुंह में बस आ रहा है। गोले एक लगे जी सुना के बेर करे पीछे का बुबू बुबू गोले ने एक इंजेक्शन में साइड हां आ रहा। तो अभी हो रहे हैं 7:30 और अभी जैसे कि आपने देखा, बूबू अब पहले से बहुत बेहतर है और उसे फिर से कैल्पॉल देने की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है, क्योंकि उसे वैसा दर्द उठा नहीं है। तो कैल्पॉल मैं तभी दूंगी जब उसे दर्द उठेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं 11:30 और बूबू को थोड़ा सा टेम्परेचर था, तो मैंने उसे फिर से अभी जस्ट थोड़ा सा 1 ml कैल्पॉल दे दिया है। और अब हम जा रहे हैं सोने, और आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड लक एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स। बाय बाय।